हम लोगों ने आते के साथ जो है ना फैजल छोटी को सरप्राइज दिया और जो है ना उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी माशाल्लाह हो रही थी और जो है ना अब हमने उनको पकड़ लिया मेकअप शेकअप करते हुए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक आपके सामने हूँ, हट्टी कट्टी फिट फाट। अचानक से आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। नेचुरल ब्यूटी दिखानी थी मुझे अपने फैन को ना कि यार कैसे नेचुरल ब्यूटी कैसे आती है। और देखो मेरी उंगलियां, देखो क्या उंगलियां, देखो मैं मेकअप करने के लिए उठी हूं, लॉ इस शर्म से आई, कैसी उंगलियां। तो गाइस ये मेकअप शेकअप कर रही हैं, मैंने सोचा लोग इनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे बगैर मेकअप के इतनी अच्छी लगती, तो आज मैंने खूबसूरत लग रही, देखो कितना पूरा चेहरा लग रहा है। तो आज मैंने अपने फैंस को और इन दोनों के फैंस को ना इनकी रियल ब्यूटी दिखा दी है, जो कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह क्या लग रही है। कोई नहीं, कोई नहीं। ये सब मेकअप का कमाल होता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं भी मेकअप का कमाल हूँ, ठीक है। चलो जल्दी मेकअप करो, फिर हम लोग आगे जो है ना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो भाई जब तक फायदे छोटी जो है ना अपना मेकअप शेकअप कर रही है, तब तक हम लोग उनका वेटिंग एरिया में वेट करते हैं, कुछ खाते पीते नीचे जाकर और मजे करते हैं। हे जी, कैसे हो आप लोग? फिर आप लोग सब ठीक ठाक हो गए? दिस इज मी कराची गर्ल की बोल के मैं वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलिए और लेते हैं मुझे भाई का रिएक्शन, कि उनकी बेगम तैयार श्यार हो गई कि उनको वो कैसी लगी हो, क्या हम तैयार श्यार करवा के लेकर आए। यहाँ चोरी होने का खतरा गाइस, हमें मोबाइल छुपाना होगा। देखो हम आपकी बेगम को तैयार करवा के लाए, कैसी लगी है? बेगम आपकी, आपको यकीन करना पड़ेगा, आपको बता दें बीवियों की इज्जत करें, बीवियों से प्यार करें, जो वो कहें वो समझें। ये सिर्फ इस, हाँ ये सिर्फ ब्लॉग तक की हद है गाइस, इससे ज़्यादा ना बोल सकते ना कर सकते। तो अब जो है ना हम घर जाते हैं, बस हो गया ये सिस्टम ख़त्म, यहीं पर ही 12 बज रहे हैं भाई, सुबह जाना भी है मैंने ऑफिस। जगह कर रहे हैं आज हम लोग ना, माइयों कर रहे हैं पापा की दूसरी शादी की। सो गाइस सीन कुछ यूं है कि आज जो है ना हमने सरप्राइज़ दिया है मुईन छोटू और फैजल छोटी को उनके घर पे आकर। तो भाई ये लोग शिकायतें करते रहते हैं, आप लोग हमारे घर आते नहीं हो, आते नहीं हो, आते नहीं हो। तो आज फाइनली हम लोगों ने आके इनका दुबड़ा शुबड़ा सब खत्म कर दिया और अब हम लोग आ चुके हैं इनके घर पे। तो भाई फैजल छोटी जी, आपको कैसा लगा है हमारा ये सरप्राइज? बहुत अच्छा। तो सरप्राइज का मतलब क्या होता है? अचानक आना आपके घर पे, सरप्राइज का मतलब ही होता है, इसलिए हमने आपको सरप्राइज दिया। बस आप ये बताइए कि आपको सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई कि अकील भाई, भाभी, बच्चे सब आए। अल्लाह पाक जिंदगी दे, अल्लाह ताला कामयाब करे। इन्होंने हमें समझा तो आए भाई, हमें बहुत अच्छा लगा। बस आप ऐसे ही हमें प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। और बड़े मज़े किए हमने, मज़े करने वाले हैं आगे, जो भी करने वाले हैं आपको दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में। तो गाइस स्टे ट्यून, इससे कनेक्टेड क्या क्या होने वाला, क्या क्या करने वाले सब आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो गाइस जुड़े रहिएगा हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए, आगे मिलते हैं गाइस। तो ये जा रहे हैं हमारे, आते ही आप जा रहे हैं, नाइस। हेलो गाइस, वो देखो पीछे से आप लोग देख सकते हो यहाँ। हेलो फैजा आपी, कैसी हैं आप? मैं फिट फाट। कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो चांद को, आप हमसे ज्यादा ये तैयार होके आई है क्या? मतलब किस खुशी में? नजर नहीं लग जाए, नजर ले लो इनको भी, नजर लगेगी इनको भी, नजर लगेगी। चांद भी दाग होता है ना, दाग होता, दाग समझ में आता, खूबसूरती कहाँ समझ में आती है भाई। अच्छा चलो एक बात, चांद कद्दू लटक रहा है ऊपर, चांद थोड़ी लटक रहा है, कद्दू लटक रहा है गाइस। चांद को नीचे डाल दो, अभी गोरा करने के लिए हमने एक लाइट लग के आई, ये देखें गाइस, ये देखो आप एक लाइट के लिए बैठे हुए गाइस। अरे वो ये देखो जरा, ये मेरे लिए सामान लेकर आई है चलो व्लॉगिंग के लिए। अभी हम इससे व्लॉगिंग करते, देखते कैसी चलती है। देख रहे फटाफट आ जाए।
हमें लग रही है बहुत तेज भूख और आते ही हमने रोना डाल दिया कि भाई हमें खाना दाओ, हमें अपना घर है ना गाइस, कोई पराया कोई ना अपना ना कोई पराया, नहीं नहीं अपने भूख लग रही है बड़ी टाइट वाली। अब हम खाना पीना करेंगे, ब्लॉग करेंगे साथ साथ, और आज हमने दिया इनको सार तुम्हें क्या मसला है? बताओ नहीं, तुम बड़ी गोरी हो, पूरी लाइफ बताओ तुम काली हो। अल्लाह अल्लाह दिखाओ, अल्लाह का दिया हुआ कलर है, अल्लाह इज द बेस्ट क्रिएटर। क्यों भाई काली है? नहीं वो इनको क्रीम देती है और ये बेचारे गलती से लगाते हैं। देखो बस बाकी बातें बाद में, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना मिल जाए तो छोड़ो, निकालो ऐसे, निकालो ऐसे, निकालो गाइस जल्दी 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 निकालो। तो भाई अभी हम जा रहे हैं खाना पीना शाना करने के लिए। और क्या लाया खाना भाई? और था सिर्फ पाए थे हमने, ना पाए तो हमने अभी खाए हैं। आए हाय, चलो भाई अभी हम खाना निकालते हैं, खाना शाना खाते हैं। बताओ कि हम हमारे घर वाले खाना निकालते हुए खाना निकालते हैं। और खाने में गाइस पता आप लोगों क्या है मेरी फेवरेट डिश? पाए पाए पाए। आज मैं पेट भर के खाने वाली हूँ। आए हाय हाय, थैंक यू मोइन भाई, आज मैं पेट भर के। गाइस हम लोगों ने दिया था सरप्राइज इन लोगों को घर पे आके, और अचानक अचानक हमें भूख भी लग गई, तो हमने अर्जेंटली अर्जेंटली भेजा सबको कि भाई जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ, भूख की शुक्री लग रही है हमें। ठीक है, नाइस गाइस, नाइस नाइस, बेइज्जती काम भी करवाते हो मुझसे आप लोग, इतनी बड़ी ब्लॉगर हूँ मैं, काम करते हैं भला। तो भाई पाए शाए खाते हैं। भाई यहाँ खाना शाना लग चुका है, यहाँ की हमारी आंटी साहिबा, आंटी साहिबा आ गई है खाना शाना लेकर, लगा लिया मैं उन्हें मतलब शाह मैं ले चुका हूँ यहाँ। चलिए आइए बैठिए गाइस, देखते हैं आप लोग मेरी फेवरेट डिश है, चलिए खाते हैं। भाई फिर शायद अम्मी है ये खाना अखिल भाई लाए, आप लोग मत समझना मुझे लेके आए, मेरे दीदी को बता दिया। हां सही सही बात है, चेक कर डिस्क्रिप्शन में। तो अब बस हो गया, चलो मेरा फेवरेट है, खाना खाते हैं। ये लोग सब खा रहे हैं, नाराज हो रही हैं। देखो खाना साना करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सो भाई हमारा ये सरप्राइज हो चुका है खत्म, फिनिश फिनिश। और